सो गाइज ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। सो गाइज ये देखिए, ये है पूरी ग्रीनरी। सो मुझे को बहुत पसंद आ रही है गाइज ये जगह, आप देख लीजिए यहाँ ये पूरा। एंड मेरी बहन भी आ गई गाइज मेरे साथ। सो ये देखिए पूरा, यहाँ हमारी गाड़ी पार्क है, ये पूरा है गाइज। तो हम लोग चलिए चलते हैं। सो गाइज ये देखिए, ये है मेरी मम्मा, ये ग्रीन कलर की साड़ी में। एंड देन हम लोग अभी अंदर चलते हैं गाइज। सो गाइज हम लोग अंदर आ चुके हैं। ये है मेरी बुआ जी, ये है मेरी मम्मा, ये मेरी बहन। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सो गाइज ये देखिए, पुराने जमाने में जहाँ लालटेन्स मिलती थी, आई मीन लालटेन, आई मीन लैम्प। सो गाइज ये देखिए, ये है मूर्ति, आई मीन स्टैचू। एंड ये देखिए सोफा, मैं आपको बैठ कर दिखाती हूँ। गाइज कितना अच्छा लग रहा है। हेलो दीदी। सो गाइज ये मेरी बहन भी यहाँ आ गई है। देखिए गाइज कितना सुंदर सा प्लांट लगा हुआ है। एंड देन यहाँ सब लोग फोटो शूट करवा रहे हैं। मैं अपनी फोटो, मेरी अकेले में तो नहीं है, बट यहाँ मैं फोटो इंसर्ट कर दूंगी एक फोटो। सो ये देखिए, एंड मैं गाइज ये देखिए, मैं एक अपना अकेले फोटो शूट करवा लेती हूँ गाइज। तो चलिए एक बार फोटो शूट करवा के आते हैं। सो गाइज ये है केक वॉल, जहाँ केक्स का सामान रहता है, जैसे कि मैक्रॉन्स एंड स्टफ। ये देखिए गाइज। सो गाइज अभी हम लोग चल रहे हैं। सो मैं आपको टेबल पे मिलती हूँ। सो गाइज ये है पूरा पूरा टेबल, जहाँ ग्लासेस, स्पून्स, फोर्क्स, नाइव्स कितने सुंदर सुंदर रखे हुए हैं। ये है मेरे भैया जिनका बर्थडे है, ये है मेरी बहन, ये है मेरे पापा, ये है मेरी बुआ जी, एंड ये है मेरी मम्मा। एंड आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं। सो गाइज मैं आपको पूरा घुमा कर आती हूँ। सो गाइज ये भी हैं कुछ टेबल्स, एंड ये देखिए ये सारे डाइनिंग टेबल्स हैं गाइज। एंड यहाँ सारे मिठाइयाँ मिल रही हैं। नहीं मिठाइयाँ नहीं है, कुछ और हैं गाइज। इसे तो उस गाइज आइसक्रीम खाने को पड़ी हुई है। तो कैसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है गाइज। देखिए ग्लास के डिजाइंस कितने अच्छे हैं। तो गाइज मैं आपको मिलती हूँ अपने टेबल पे। गाइज इसके अंदर देखिए अच्छा लग रहा होगा। कुछ तो खाने को है गाइज, ये मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके नीचे ये देखिए। चलिए अब हम अपने टेबल पे मिलते हैं, टेबल पे। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, ये है हमारा नाइफ जिसे हम लोग काटेंगे, गाइज खाना काटेंगे। देन ये गाइज हमारे पास स्पून, ऐसा आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी स्पून है ये, आई लव बिग स्पून्स। और ये मेरा ग्लास गाइज, कितना सुंदर ग्लास है, आप देख सकते हैं। वाओ। एंड देन हमारे पास वाटर बॉटल्स रखी हुई हैं, एंड यहाँ नमक और स्टफ जो भी हम खाते हैं वो है। अभी ये जैसे इनका पैर पहुंच नहीं रहा था, इनको इनको ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प मिलेगी और साइकिल अपने आप भागेगी, बस इनको संभालना है। आप इनसे छोटे हो और इनके पैर जमीन पे नहीं पहुंच रहे। और हम सोचो बुद्धि देखो हम भाई बहनों की, पता नहीं मैं तो कुछ पीछे पकड़ के वो बैलेंस बना रहा था, इनको बैठा के फिर पकड़ के। दीदी छोड़ने वाले हैं, संभाल के बैठी हो ना, हम वहाँ घुड़च्चा। हाँ भाई छोड़। जैसे छोड़ा इसने वैसे वो साइकिल हमको आती तो थी चलानी, वो जा करके दीवार में टकरा के हैंडल मेरे, वहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से साइकिल चल रही थी। मैं सोचा कि संभाल लेंगे अपना, अभी पता लगा तिरछा करके तो जाके दीवार के पास एक बार जाके एकदम टकरा गई और वो हाथ टूट गया। दोनों के नहीं हो किसी को, ये रहते हैं ना। हाँ हल्का सा तिरछा दिखाई देगा तुमको यहाँ से। आज पता चला
ऐसे दिखाई ऐसे दिखाई दे, दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये इधर नहीं इधर ये तो एक बार जब टूट जाता है तो थोड़ा मोड़ा तो इधर उधर टूटी है। ऐसे ही मेरा हाथ बना ऐसे हो के ऐसे हो गया, मन नहीं रहता है क्या होता है सादा हाथ क्या हो गया। मैडम जी क्या कर रही हैं? मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं 2 साल की नहीं होंगी, 2-2.5 साल की, तो कानपुर के पास एक भावपुर जगह है, भावपुर, हाँ भावपुर नाम की एक जगह है, तो हम वहाँ रहते थे। मम्मी ने मुझे क्या किया, आपकी दादी ने, कि मुझे खूब अच्छे से तैयार व्यार कर दिया, ग्रीन कलर का नीचे ग्रीन कलर का ऊपर, वुलन स्वेटर और पजामी पहना करके, और यहाँ रेड कलर का रिबन लगा दिया। और बाल तो बच्चों के ऐसे ही होते हैं इधर, और यहाँ से उठा के पकड़ के यहाँ करगी कलगी कलगी होती है ना मुर्गों के, वो खड़ा कर दिया, उसमें खड़ा कर दिया। मैं अपना इतरा इतरा के बिल्कुल बड़ी सुंदर सी, ऐसे देखने का शौक था खुद को, मैं बड़ा इतरा इतरा के जा रही थी अपना। तब तक एक बड़ा सा मुर्गा था मेरे ही हाइट का, बड़ा मुर्गा नहीं होता, दूसरा मुर्गा कहाँ से आ गया, उसने सोचा ये खतरनाक प्रजाति शुतुरमुर्ग टाइप का कुछ लग रहा है। हाँ, तो उसके बाद में जब भैया उसने देर, मतलब एक सेकंड की देर नहीं किया, अटैक कर दिया उसने मेरे ऊपर। मुझे तो यही धड़ाधड़ करना है, मुझे ये जो नया से निकल के आया है इस घर से, और उसने मुझे इतना काटना शुरू कर दिया, इतना काटना यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, टोंट मारना शुरू कर दिया, कि मैं फिर बैठ गई वहाँ पे, वहीं पे फिर आके लोगों ने बचाया मुझे। फिर रात में उन भाई साहब को सबने पता लिया, तंदूरी चिकन ऐसा था, जिस मुर्गे ने हम पे अटैक किया था वो मुर्गे ही उसी दिन रात में निकल लिया। लेकिन सोचो उसने मुझे किस प्रजाति का मुर्गा समझा, कि उसको लगा कि ये खतरा है। And he could be what I like, what I like, what I like. But he's got those stranger eyes, stranger eyes, stranger eyes.